भागलपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 5 अपराधियों को धर दबोचा है। सीनियर SP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 मार्च को देर शाम सजौड़ थाना क्षेत्र के डोमा बांध में मिथिलेश उर्फ मिथुन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। मामले के उद्भेदन को लेकर DSP लॉ एंड ऑर्डर मंगलेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर सबसे पहले सूरज कुमार शाह को धर दबोचा, उसके बाद उसके इकबालिया बयान और निशानदेही के आधार पर घटना में शामिल कुल 5 लोगों को धर दबोचा गया। साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य को लेकर मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। सीनियर SP ने बताया कि मृतक की पत्नी अंजलि का प्रेम प्रसंग गांव के सूरज शाह के साथ था। जैसे ही मिथिलेश को इस बात की भनक लगी, अंजलि और उसके प्रेमी सूरज ने मिथिलेश को रास्ते से हटाने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। SSP ने बताया कि 3 मार्च की देर रात मृतक की पत्नी के साथ कुल 8 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हत्या में शामिल 5 अपराधियों को धर दबोचा है। जल्द ही घटना में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। 45 घंटे पूर्व सजौर थाना अंतर्गत डोमा बांध एक जगह है, वहां पे एक मिथिलेश उर्फ मिथुन नामक व्यक्ति की हत्या परसों अर्थात 3 मार्च की शाम को 7 से 8 बजे के करीब गोली मारकर की गई थी। और इस हत्या में उद्भेदन और अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO विधि व्यवस्था मंगलेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर सूरज जो SHO हैं सजौर थाना के, और इंस्पेक्टर जयनाथ जो शाहकुंड थाना के SHO हैं, और सब इंस्पेक्टर बहादुर और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर डिंपल कुमारी शामिल थी। इन लोगों के द्वारा इस पूरे हत्याकांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और कई साक्षियों से लोगों से पूछताछ की गई और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया गया। तो इसमें एक व्यक्ति सौरभ है जिसकी संलिप्तता सामने आई और उनसे पूछताछ हुई तो उस पूरे हत्याकांड में शामिल 7 अन्य लोगों का पता चला और उन सभी के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलन किया गया है। और इस पूरे हत्या कारित करने के लिए अपराधियों ने करीब 2 लाख रुपए की बात हुई थी, जिसमें से 40,000 रुपये के ट्रांजेक्शन का भी पता चला है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें 20,000 का, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और 4 मोबाइल को साक्ष्य के तौर पर जब्त किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें सौरभ शाह, अंजलि कुमारी, मनोज शाह, मिथुन कुमार और विनय यादव। ये 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस हत्याकांड में की गई है और 3 अन्य लोगों की भी पहचान हुई है जो इस पूरे साजिश में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार 48 घंटे के भीतर एक जो हत्याकांड सजौर में हुआ था 2 दिन पहले, उसका पूरा खुलासा किया गया है और उस संदर्भ में वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए हैं और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से 44 कार और 40 मोटरसाइकिल रखने की क्षमता वाला भारत का पहला 2-व्हीलर पार्किंग व बिहार का पहला पजल पार्किंग भागलपुर में बनकर तैयार हो गया है। भागलपुर के लोग अब जल्द ही इसका उपयोग कर पाएंगे। यह पजल पार्किंग शहर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए तैयार किया गया है। तकरीबन 1 महीने बाद यह आम लोगों के लिए खुल जाएगा, अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है। इस पजल पार्किंग की खास बात है कि इसके टॉप रूफ में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसमें मीटिंग, छोटे कार्यक्रम आदि हो सकेंगे। वहीं अब पजल पार्किंग फुल्ली हाइड्रोलिक है। वहीं रिलायंस स्मार्ट इंडिया के निदेशक ब्रजेश नरूला और प्रबंधन तकनीकी व PRO पंकज कुमार ने यह जानकारी दी। और शहर की जाम की समस्या से इसमें बहुत बड़ा समाधान मिलेगा। इससे आप लोगों से भी है कि आप लोग क्षमता है 44 कार का और 40 बाइक का। बिहार में पहली बार है, भारत में तो पार्किंग की है अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। इसमें से वन ऑफ द ये है कि इसमें हमने बाइक पार्किंग भी किया है और मल्टी एक ऊपर में जो आप देख रहे हैं रूफ टॉप ऑफिस है, जिसमें मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप। ये पहली बार, ये लगभग 8.5 करोड़ के लागत से। क्या कुछ चार्जेस लगेंगे लोगों को पार्किंग में? चार्जेस हम लोग निकाल रहे हैं, निकाल के प्रॉपर अप्रूवल लेके आप लोगों को भी बताया जाएगा। देखिए, पार्किंग एक्चुअली ये पजल पार्किंग है जो कि हमारे बिहार में तो पहला है और इंडिया में 2-व्हील पार्किंग फर्स्ट है। और फर्स्ट थिंग की सबसे ज़्यादा खूबसूरत के ये ऊपर गेस्ट हाउस दिया है, वो भी हमारे पहला प्रोजेक्ट है जो भागलपुर को मिला है। और ये पजल पार्किंग है पूरा, जैसे ऑटोमेशन है और ये पूरा हाइड्रोलिक वर्क करता है। और इसका सुविधा मतलब जनता को
भरपूर मिलेगा लोगों के लिए। ऑलमोस्ट अभी ट्रायल रन पे चल रहा है, तो होपफुली एक आध महीने के अंदर तो हम इसको। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवलसूर चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम बातों की जानकारी दी। साथ ही आम जनता को पूरी तन्मयता से अपना मतदान करने के लिए आग्रह करते दिखे। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ज्यादा के युवा एवं युवती जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, अभी भी समय है, वो अपना नाम जल्द से जल्द जुड़वा ले। डीएम ने आगे कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर 2234 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1267 भवन केंद्र की संख्या है, जिसमें 14 चलंत बूथ है। उन्होंने कहा भागलपुर में कुल 2,93,233 वोटर हैं। पहले 1,000 पुरुष पर 888 महिला हुआ करती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 1,000 पुरुष पर 919 महिलाएं हो गई है, यह खुशी की बात है। साथ उन्होंने कहा कि SST और FST टीम का गठन कर लिया गया है, सभी कोषांगों का भी गठन कर लिया गया है। इस बार 49,347 महिलाओं का नाम जोड़ा गया है। वहीं दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल की भी व्यवस्था रहेगी, जिनकी संख्या 18,490 है। उन्होंने कहा इस बार के चुनाव को 262 सेक्टर में बांटे गए हैं, उम्मीद है सभी सेक्टरों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होगा। आपको लोकसभा निर्वाचन 2024 के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुल 2,234 बूथ है, जिसमें कि जो कि 1267 मतदान केंद्र भवन की संख्या है, जिसमें मात्र 14 बूथ चलंत हैं। चलंत का मतलब जो परमानेंट बिल्डिंग में नहीं है, और हम लोग वहाँ टेम्प्ररी बूथ इस्टेब्लिश करेंगे और पूरी सुरक्षा रखेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ वोटर्स की संख्या है 2,93,233 वोटर्स हैं, और जेंडर रेशियो जब जनवरी में 22 जनवरी को जब इलेक्ट्रल रोल पब्लिश हुआ, उस समय जेंडर रेशियो 888 था, जिसमें जिसके बाद वो चिंताजनक थी, और हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया है और उस जेंडर रेशियो को बढ़ा करके हम लोगों ने 919 किया है। और अभी भी हमारे पास कई फॉर्म्स लंबित हैं जो डिस्पोजल हो जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जेंडर रेशियो हमारा 923 से अधिक होगा, और हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि इसको इम्प्रूव करें। जेंडर रेशियो का मतलब है कि प्रति 1,000 पुरुष वोटर पे कितनी महिला वोटर है। तो पहले 1,000 पुरुष वोटर पे 888 महिलाओं का नाम था, अभी 1,000 प्रति पुरुष वोटर पे कुल 919 महिला वोटर हो गई है, जो संख्या जो छूटा हुआ था, जो महिलाओं का नाम छूटा हुआ था, हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने SST और FST टीम का गठन कर लिया है, और अभी वो बहुत जल्द क्रियान्वित हो जाएंगे। चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है, और आपको बता दें कि अभी तक जो जेंडर रेशियो इम्प्रूवमेंट में कुल 49,347 महिलाओं का नाम अभी तक जोड़ा गया है, जो एक बड़ी चीज़ है। जो महिलाएं छुटी हुई थी वोट से वंचित थी, उनको हम किए हैं। हमारे यहाँ PWD वोटर्स 18,490 हैं, और PWD वोटर्स के लिए बूथ पर एक स्पेशल सुविधा होती है रैंप के साथ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ट्राईसाइकिल की वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई उनको असुविधा नहीं हो। और सेक्टर्स हम लोगों ने 262 सेक्टर को गठित किया है, और आज से 5-6 दिन पहले हम लोगों ने उन लोगों सभी लोगों को डिटेल में ब्रीफ भी किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आम यहाँ की पूरी आम जनता जो जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग पूरी तन्मयता से वोट करेंगे। और मैं सभी वोटर से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जब भी लोकसभा निर्वाचन हो और जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग वोट करें। और ऐसे कोई व्यक्ति जो जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, कृपया आप अभी अप्लाई करें। अभी भी नाम जोड़ने का कार्य जारी है, हम लोग नाम जोड़ेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है।
कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर की समीक्षा भवन में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास कार्य व रेवेन्यू को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। कार्यक्रम के दौरान विभाग संबंधित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्य व रेवेन्यू के संयुक्त तत्वाधान में सरकार को उचित रेवेन्यू मिले एवं शहर में तेजी से विकास हो, इस पर कई बिंदुओं पर हम लोगों को वार्ता की उम्मीद है। जल्द रेवेन्यू भी उपलब्ध होगा और विकास कार्य भी धरातल पर दिखेंगे। अभी विकास समन्वय समिति की बैठक थी आज, इसमें विकास है और खास करके जो रेवेन्यू है और दोनों डिपार्टमेंट या विभिन्न विभागों के बीच में जो समन्वय का अभाव है और उस समन्वय के उसको हम लोग कैसे बेहतर बनाएं ताकि सरकार के विकास कार्य बेहतर तरीके से हो सके, इसी में विभिन्न अधिकारियों के साथ अभी बैठक की गई है और हमने निर्देश दिया है कि विकास को और हम तीव्र गति से कैसे कर सकते हैं। तो मुझे भरोसा है काफ़ी जल्द इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। भागलपुर के कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र के बनियाड़ा गांव के वार्ड नंबर 14 में देर रात अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया, जिससे कि तकरीबन 50 घरों में बिजली नहीं होने से अंधेरा छा गया। बिजली नहीं होने से गांव में पेयजल की समस्या गहराने लगी है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 16 केवी का ट्रांसफार्मर जमीन से लगभग 10 फीट ऊंचाई पर रखा गया था, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया। सुबह जब गांव के लोगों को चोरी होने की जानकारी मिली तो सभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर सनोखर थाना के अज्ञात खिलाफ आवेदन दिया है। ये तो रात को ट्रांसफार्मर तोड़ कर लेते गया है चोर। लेते गया, क्या परेशानी होता है? परेशानी हम लोग अनार में रहते हैं सब कोई। ये ट्रांसफार्मर जो चोरी हुआ चालू था? चालू था। कितने घरों को यहाँ इससे बिजली मिल रहा है? 50 घर को। 50 घर तो अभी कैसे रहते हैं? हम लोग अनारे में रहते हैं। पहले तो पानी दिक्कत हो रही थी कि लाही रो धोए रो पिए रो पानी नहीं थी, लाइने नहीं थी, बाल बच्चा भी पढ़े रो दिक्कत छे, घर अन्हार रही छे, मोबाइल चार्ज नहीं होइ छे, आरो सब चीज और दिक्कत छे, लाइन काट ही देले छे, चोरा ले ले छे। कैसे जाने की चोरी हुई है? सवेरे हम लोग जाने, सवेरे जाने। ये चालू था? चालू था। कितना घर को बिजली उत्पन्न दे रहा? तकरीबन 50-60 घर को लाइन में सप्लाई करता था। महाशिवरात्रि को लेकर पूरे जिले में तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर सबौर प्रखंड के भिट्टी गांव के जोड़ा महादेव मंदिर में 3 दिवसीय मेला का आयोजन होगा, जिसमें शिव झांकी के साथ महादंगल और सुप्रसिद्ध भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर जोड़ा महादेव मंदिर पूजा समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह सोलंकी ने कहा कि हमारे मंदिर में 8 मार्च को झांकी एवं महादेव शुभ विवाह के साथ रात्रि में जागरण का आयोजन होगा। 9 मार्च को देश के कई राज्यों से आए पहलवानों के द्वारा दंगल का आयोजन होगा। साथ ही स्थानीय कलाकारों के द्वारा 1 अनार 100 बीमार नाटक का आयोजन होगा और 10 मार्च को भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। अरविंद सिंह सोलंकी ने कहा कि 1951 ईस्वी से लगातार स्थानीय कलाकारों के द्वारा नाटक का आयोजन हो रहा है जो अनवरत जारी है। प्रेस वार्ता में शशि सिंह सोलंकी, विष्णु देव सिंह, वशिष्ठ सिंह, सक्षम गहलोत, रूपेश सिंह सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, महाशिवरात्रि मेला के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम किया जाता है। दिनांक 8/3/2024 को शुभ विवाह और झांकी निकाला जाता है जो नगर भ्रमण के लिए निकाली जाती है और रात्रि 9 बजे से भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 9/3/2024 दिन के 2 बजे राजस्तरीय पहलवानों के द्वारा महादंगल का आयोजन किया जाएगा एवं रात्रि 9 बजे से ग्रामीण कलाकारों के द्वारा 1 अनार 100 बीमार नाटक का मंचन किया जा रहा है। दिनांक 10/3/2024 को दिन के 2 बजे राजस्तरीय पहलवानों के द्वारा महादंगल का फाइनल मुकाबला एवं पुरस्कार वितरण है और रात्रि 9 बजे से भोजपुरी गायक कुंजन सिंह का संगीतमय कार्यक्रम किया जा रहा है।
भागलपुर उत्पाद कोर्ट टूवल में न्यायाधीश राजेश सिंह ने शराब तस्कर को 5 साल की कारावास और 1,00,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई, साथ ही नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। घटना 15 अप्रैल 2023 की है, जिसमें चोरी की मोटरसाइकिल से 130 लीटर देसी शराब छोटू नामक युवक ला रहा था। पुलिस गश्ती के दौरान उसे कहलगांव NTPC के गेट नंबर 3 पर पकड़ा गया और आज उसे सजा सुनाई गई। जानकारी उत्पाद कोर्ट के AP भोला प्रसाद ने दी। 15/4/23 को पुलिस को खबर मिली कि एक भागलपुर के तरफ से एक मोटरसाइकिल पर शराब लेके आ रहा है NTPC गेट नंबर 3 के पास। वाहन चेकिंग लगाया, वहां पर वाहन को पकड़ा गया और उस वाहन से 130 लीटर देसी शराब बरामद हुआ, जिसमें आज सजा सुनाई गई। वह मोटरसाइकिल जो था वह चोरी का मोटरसाइकिल था, जिसमें 2 साल उसमें अतिरिक्त 414 में सुनाई गई और उस 5 साल की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीना की अतिरिक्त सजा और 414 में 2 वर्ष की सजा, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के हर कोने में युवा आक्रोशित दिख रहे हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसको लेकर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दर्जनों छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के TNB कॉलेज बॉयज कॉमन रूम के पास इस अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन एवं आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च में बंगाल की ममता बनर्जी के खिलाफ सबों ने जमकर नारेबाजी की, वहीं महिलाओं की सुरक्षा उसके अधिकार को लेकर आवाज बुलंद किया। इस आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के मंत्री आनंद राज, प्रदेश सह मंत्री हैप्पी आनंद, छात्रा प्रमुख के अलावा दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारतीय परिषद के द्वारा पूरे देश भर में एक साथ संदेश खली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जो घटना हो रही है, उनके सील को भंग किया जा रहा है, उसके मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिहादी मानसिकता के द्वारा उनके घरों को लूटा जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग आक्रोश मार्च और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञात हो कि बंगाल में पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार का ममता बनर्जी के संरक्षण में ऐसे जिहादी मानसिकताओं के लिए इस को संरक्षण मिल रहा है और उनके संरक्षण में वहाँ के महिलाओं के ऊपर, वहाँ के पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को लूटा जा रहा है। लेकिन महिला ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है और महिला के दर्द को नहीं समझ सकती है और वो संरक्षण, उल्टे संरक्षण देने का कार्य करती है, विद्यार्थी परिषद उसी के विरोध में आक्रोश मार्च पूरे देश भर में निकाल रही है। बंगाल में जो दुष्व्यवहार हुआ जा रहा है छात्रियों छात्राओं के साथ, सबके साथ, तो इन्हें हमें आवाज उठाना चाहिए इन पे, क्योंकि कितना बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ममता जी तो कुछ कर नहीं रही है। इसीलिए हमें यह धरना निकालना पड़ रहा है कि हमें लड़कियों को बचाव करना होगा, हमें आवाज उठाना पड़ेगा। कितना कोई बर्दाश्त करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम लोग एक धरना निकाल रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हम ममता जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो वो जागे, राष्ट्रपति जागे कि सबको, छात्रों को बचाव करे।